कितने एक फीट होगी, कम से कम 2 से 3 फीट बर्फ पड़ी है। ये कहाँ से मिलता है ये जो आपने पहने? वादी नीलम जो है ये हुस्न की मलका है, कश्मीर को वैसे भी जन्नत नजीर कहा गया है। ये उठाया है, अब हमने उतारनी है अपनी जो पुरानी शॉप थी अबू की ना, 1992 की है ये वाली शॉप, इससे ये उतारनी है बर्फ। गाइस अब देखना आप क्या निकलेगी, ये क्या है चीज बर्फ में, ये चक्कर में इस बर्फ में क्या है, बहुत मजे की चीज है। लुक एट दिस, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब मुझे देखने वाले खरीद से होंगे। तो मैं आपका होस्ट शबाज एजाज, प्यार से मुझे शबू कहते हैं तो आप भी कह सकते हैं। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करने वाले हम यहाँ से शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना मज़ा आने वाला आज की वीडियो में, तो जुड़े रहना हमारे साथ। आपको दिखाते हैं गेहूँ में कैसे बर्फों में रहा जाता है, कैसे बर्फों में गुजारा किया जाता है। नीलम वैली में सबसे ज़्यादा बर्फ़ आज पड़ी है इस दफ़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अंदाजा लगा लें आपकी कितने एक फीट होगी, कम से कम 2 से 3 फीट बर्फ पड़ी है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, आज देखते हैं आज का दिन हम कैसे गुजारते हैं, थोड़ा सा बर्फ को एंजॉय करें। मैं जब तक आगे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तब तक आप खूबसूरत बर्फ के नज़ारे करें। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। बाकी हमारे साथ बच्चा पलटन आई है, तो इनके एकेडमी गए थे, एकेडमी से वापस आए तो मेरे साथ उन्होंने वीडियो बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया चुंडू, ठीक है जाओ, शुक्रिया। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ यार, इधर गांव में कोई हमें सपोर्ट भी नहीं करता, सच्ची बात है, सब हेट करते हैं। तो बाकी यार बस आप पे ही उम्मीदें, जो मेरे 50-100 व्यूवर्स हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बंदा देखता है मेरी वीडियो वो कमेंट्स किया करो, ताकि मैं उसको पहचानूँ कि मेरा यार जब शुरू मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरा सब्सक्राइबर कौन था। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है तो वो भी दबा दो। जी बर्फ़ आजकल बहुत ज़्यादा पड़ी है वादी नीलम में, शायद पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, ऐसा ही है। बर्फबारी जो होती है इससे तो एंजॉय भी करते हैं। वादी नीलम जो है ये हुस्न की मलका है, बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर को वैसे भी जन्नत नजीर कहा गया है। बिल्कुल देखें ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जंगलात, बिल्कुल, और ये नदी नाले, ये सर्दियों का तो अपना ही एक अनोखा रंग है। बिल्कुल। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि टूरिस्ट जो हजरात हैं उनको आप ये कहते हैं कि नीलम वैली का आप विजिट लाजमी करें? हाँ मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर कोई देखने वाली जगह है तो वादी नीलम है। ये नहीं कि सिर्फ गर्मियों या सर्दियों में, दोनों सीजनों में ये मतलब हुसन की मलका है। सर्दियों में भी गर्मियों में, सर्दियों में ये बर्फ़ की हुसन की मलका है, गर्मियों में ये ग्रीनरी की हुसन की मलका है। मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि नीलम वैली का विजिट आप लाजमी करें, बहुत अच्छी जगह है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियो देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये जी हमारा बाजार, हमारा कश्मीरी कल्चर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो? ये कहाँ से मिलता है ये जो आपने पहना है, इसको क्या कहते हैं? कश्मीर से मिलता है, इसको क्या कहते हैं? मकबूजा कश्मीर से मिलेगा। अच्छा जी गाइस ये यहाँ से, इस कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से नहीं मिलेगा आपको, ये मकबूजा कश्मीर से मिलेगा। इसको कहते हैं जुबा, जुबा है जी, ये हमारे कश्मीर का कल्चर है जी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मज़ेदार चीज़ यार, बहुत मजे की चीज़ है। लुक एट दिस, ये चेक करें भाई, ये पता नहीं बर्फ जमी हुई है या क्या सीन है, मैं नीचे जाके चेक करता हूँ ये क्या है।
ओ भाई साहब, इतनी ज्यादा बर्फ है ना कि मतलब जहाँ से लोग पहले से गुजरे हैं हमें वहीं से गुजरना होगा, वरना डूब भी सकते हैं बर्फ में। वादी नील में हर जगह आपको चश्मा नजर आएगा। दरियाए नील में ये स्नो पड़ी है ना, तो ये यहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो यहाँ पे ये स्नो जम चुकी है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है ये सारा दरिया, ये इसके ऊपर शायद बर्फ पड़ी है। शोर नहीं लगा हुआ, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये शोर नहीं, ये बर्फ नहीं यार, शोर भी है, मतलब जमी हुई बर्फ है, मतलब इतनी सख्त भी नहीं है, नरम है। तो हम शोर भी नहीं कह सकते ना बर्फ कह सकते, बस ये मिक्स है। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं। ठंड बहुत है, आतू को इतनी सर्दी लगी हुई है ना, अब जाते हैं हम आज तरह गर्म करते, बहुत सर्दी है। यहाँ से रास्ता बहुत खराब है, तो क्या नाम देते हैं, ये है जी हमारा प्यारा सा गाँव। अब है यहाँ पे बहुत खतरे वाली जगह, ये खतरा हम लेंगे मोल, अब देखते हैं गिरे ना। या अल्लाह, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, नहीं जी बचत हो गई है। चलो जी चलो चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, अच्छी जगह यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसी जगह है, ये एक चक्कर है। अब यहाँ पे हम जाएंगे वीडियोस वगैरह बनाएंगे। जी वीडियोस वगैरह हमने बना ली हैं यहाँ पे, बहुत लेवल वाली वीडियोस बनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। गाइस सुनो, वो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई हालत ही नहीं हमारी, हमने लॉन्ग शूज भी नहीं पहने हुए, ये हाफ हैं, ये चेक करें, तो सर्दी बहुत लगी है, जब चाहते हैं अब घर, तो चलो जी चलो जी। सर्दी है गाइस, मैंने लिया सेब, और सेब के साथ व्यू भी चेक करें, अब मैं फेंकता हूँ इसको यहाँ पे। गाइस अब देखना आप क्या निकलेगा, ये क्या है जी इस बर्फ में, ये चेक करें इस बर्फ में क्या है, ये है सेब एप्पल, अब इसको निकालते हैं हम। जिसमें मैंने एप्पल निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो सर? तो तुम हमें पहचान दो ना, तुम कौन हो? पंजाब के रहने वाले जी। मो किस तरह पहचान दियो तुम? टेक डाउन से मुलाकात हुई। हां, और लाइक और मजे छो कर दियो, लाइक शेयर, चैनल में सब्सक्राइब किया था कि ना? आपसे मिलके भाई साहब, एजाज भी आ चुके हैं, देखे गाड़ी लेके आए। हेलो, सलाम कर, सेब न, सेब नहीं पकड़ना, सलाम कर। फिर किधर जा रहे हो? बाजार। क्यों, सेब खाओगे? कसम से ये सेब मैंने 80 रुपए का दिया, यकीन मानोगे? रुको, सेब खा के जाओ आप लोग। आप मेरी लोग देख सकते होंगे, ये लॉन्ग शूज पहने हमने, तो अब जा रहे हैं हम, ये उठाया है, अब हमने उतारनी है अपनी जो पुरानी शॉप थी वो बुकी ना, 1992 की है ये वाली शॉप, इससे ये उतारनी है बर्फ, तो चलते हैं बर्फ उतारते हैं। 1992 की शॉप है अभी तक है, खैर इसमें सामान वगैरह तो नहीं है, लेकिन अबू की पहले की, मतलब 1992 से मेरे अबू ये चला रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। दुकान की छत पे जो बर्फ़ पड़ी थी वो उतार दी हमने। सीन है इस तरह का गाइस ना, ये लकड़ी की छत है, इसकी वजह से इस पे बर्फ़ यहीं पे रुक जाती है, अगर होती है इस तरह स्टील की छत तो फिर उतर जाती है। नेक्स्ट टाइम इस शॉप को इंशाल्लाह मैं अपनी स्टूडियो बनाऊंगा, अगर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मज़ीद आगे भी आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी। बाकी मैं इसी तरह सपोर्ट करते रहना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी लव यू हो गया, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना रखना ढेर सारा ख्याल, तो अल्लाह हाफिज़।